लगा लेना घर पे। हाय दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें एक नंबर गियर में नॉइज आ रहा था और उस गियर बॉक्स को ओपन करके दिखाया था मैंने। वो गियर था टाटा GB60 का और दोस्तों उसमें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला आप लोगों का और आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर आप पूरा मेन शॉप के साथ में असेंबल करते हुए आप गियर बॉक्स का वीडियो बनाए। सो दोस्तों आज मैं लेकर आ गया हूँ वो गियर बॉक्स फिटिंग का वीडियो। इसमें मेन शॉप के साथ में असेंबल करते हुए एकदम बिल्कुल नई तरीके से हमने इस गियर बॉक्स को फिट किया है। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा दोस्तों, बट दोस्तों आज के इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ में मैं बताने वाला हूँ कि गियर बॉक्स और मेन शॉप कैसा फिटिंग करते हैं और एकदम ईजी तरीका है दोस्तों। अगर इस वीडियो को आप देख लेते हो ना तो गियर बॉक्स बनाना आप सीख जाओगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवि खरकाटे और आप देख रहे हैं मैकेनिक ज्ञान चैनल। तो चलिए अब हम मेन शॉप से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा, दो नंबर गियर का नीडिल रोलर बेयरिंग और उसके बाद में हमको दो नंबर गियर को फिटिंग करना होगा कुछ इस प्रकार से। उसके बाद में हमें सैंक्रो कोन को फिटिंग करना है। सैंक्रो कोन को फिटिंग करने के लिए कुछ नहीं है, दो नंबर गियर का मीनिंग मिलाना है और फिट कर देना है। उसके बाद में सैंक्रो रिंग, ठीक है। सैंक्रो रिंग जैसे फिट हो जाता है उसके बाद में दोस्तों हमें एक नंबर और दो नंबर गियर का एंगेजिंग गियर फिटिंग करना है। दोस्तों एंगेजिंग गियर मतलब वो है जिसको हम गियर हब बोलते हैं, बट दोस्तों ये कैटलॉग की भाषा है तो हमें फिलहाल जो वीडियो हम बना रहे हैं ये कैटलॉग की भाषा से ही हम बनाएंगे। तो एंगेजिंग गियर को फिटिंग करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो सिंक्रोनाइजर रिंग हमने फिटिंग किया इसके पहले उसका जो कॉलर है वो कॉलर पे हमें एंगेजिंग गियर का जो कॉलर है उसको मैच करना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, हमें मेन शॉप में एक लॉक लगाना होता है जो कि हमने लगा दिया है। और उसके बाद दोस्तों एक नंबर और दो नंबर गियर का शिफ्टर स्लू फिट करना है। शिफ्टर स्लू आप जैसे जो डॉग किट लगाते हैं जिसे हम सैंक्रो किट भी बोलते हैं, दोस्तों सैंक्रो किट फिटिंग करने के लिए एक शिफ्टर स्लू के ऊपर कॉलर दिया होता है तो वो कॉलर हमको मैच करके ही लगाना है। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो सैंक्रो किट नहीं फिटिंग होगा, ठीक है। थोड़ा जो अभी हम जो वीडियो बना रहे हैं ये नाइट का समय है, मतलब नाइट में प्रॉपर आप लोगों को दिख नहीं रहा है, लेकिन थोड़ा सा वीडियो में आगे जाने के बाद में आपको डे का वीडियो आ जाएगा जो कि बहुत ही अच्छा और क्लियरिटी होगा। सो आप लोग देख सकते हैं हमने दो सैंक्रो किट को फिटिंग कर दिया है और तीसरा भी हमने फिटिंग कर दिया है। अब हमें क्या करना होगा दोस्तों, हमें सैंक्रो रिंग लगाना होगा। सैंक्रो रिंग का कॉलर देखकर लगाना है, मैंने आपको पहले भी बोला था एक नीचे सैंक्रो लगता है एक दूसरा ऊपर और ये है सैंक्रो कोन। और हम जैसे ही सैंक्रो कोन लगा लेते हैं उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, न्यूट्रल पोजीशन पे कर लेना है, क्योंकि हम जब भी सैंक्रो रिंग डालते हैं तो कोई ना कोई एक गियर में लगा कर डालते हैं तो एकदम आसानी से सैंक्रो रिंग डल जाता है। पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमने इसको न्यूट्रल कर लिया है, अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं आप मेन शॉप में हमने एक नंबर गियर का रोलर बेयरिंग को हमने मेन शॉप में फिटिंग कर दिया है। और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं ये है एक नंबर गियर, सबसे पहले हमने फिटिंग किया था दो नंबर और ये हो गया एक नंबर। एक नंबर और दो नंबर गियर का ये पूरा सेट हो गया है। अब चलिए हम थोड़ा सा एक नंबर और दो नंबर गियर को लगा कर चेक कर लेते हैं, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये देख सकते हैं रिवर्स गियर का एंगेजिंग गियर है और ये एंगेजिंग गियर को अगर हम उल्टा डाल देते हैं दोस्तों तो आपका रिवर्स गियर कभी फ्री नहीं होगा, रिवर्स गियर लगा का लगा रहेगा। तो जो कॉलर बना हुआ है एंगेजिंग गियर के ऊपर वो कॉलर जो है ऊपर के साइड में आना चाहिए और जो प्लेन भाग है वो नीचे साइड में जाना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद दोस्तों हमें रिवर्स गियर का नीडिल रोलर बेयरिंग को फिटिंग करना है और उसके बाद दोस्तों हमें रिवर्स गियर को कुछ इस प्रकार से फिटिंग कर देना है। और जैसे ही फिट हो जाता है दोस्तों उसके बाद हमें स्पाइसर फिटिंग करना है। स्पाइसर फिटिंग होने के बाद दोस्तों हमें बेयरिंग को फिटिंग कर देना है। जैसे ही बेयरिंग फिटिंग हो जाता है उसके बाद में दोस्तों हम क्या करेंगे, एक तो रिवर्स गियर में रिवर्स गियर का फॉर्क फिटिंग कर देंगे और दूसरा है एक नंबर दो नंबर, तो हम उसका भी फॉर्क को इसी मेन शॉप के अंदर फिटिंग कर देंगे और सेट कर लेंगे दोनों फॉर्क को एकदम सेंटर टू सेंटर कर लेंगे। और जो दोनों गियर हैं रिवर्स और एक नंबर दो नंबर ये न्यूट्रल पोजिशन पर रख कर हम थोड़ा सा क्या करेंगे, जो सिलेक्टर फॉर्क है इसको सेंटर में लेके बांध देंगे एक छोटी सी रस्सी से, ताकि जब हम इसको गियर बॉक्स के अंदर में फिटिंग करेंगे तो एकदम इजीली फिट हो जाए और सेंटर प्रॉपर सही से मिल जाए, ठीक है।
और आगे जो मेन शाफ्ट में गियर फिटिंग होने वाला है वो गियर बॉक्स केसिंग के अंदर हम इसे सबसे पहले फिटिंग कर देंगे, उसके बाद में दोस्तों इसके ऊपर फिटिंग होगा। चलिए मेन शाफ्ट में मैं बता देता हूँ। तो देख सकते हैं जो सबसे ऊपर साइड में जो गियर दिख रहा है वो है रिवर्स गियर, उसके बाद में एक नंबर गियर और उसके बाद में है दो नंबर गियर। ठीक है, हम इस केसिंग के अंदर मेन शाफ्ट को जैसा फिटिंग करेंगे तो ये जो ऊपर का भाग नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले तो हम मेन शाफ्ट को घुमा लेते हैं और घुमाने के बाद में सीधा हम गियर बॉक्स के हाउसिंग में फिटिंग कर देते हैं। ठीक है, ये रियर हाउसिंग है, इसमें एक फ्रंट हाउसिंग भी लगता है, और आप अगर इसको बोलना चाहो तो आप इसे रियर केसिंग फ्रंट केसिंग भी बोल सकते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों हमने मेन शाफ्ट को किस प्रकार से गियर बॉक्स में हमने फिटिंग किया है। हमने रिवर्स गियर एक नंबर दो नंबर गियर लगा लिया है और दोनों का फॉर्क हमने फिटिंग कर दिया है, और उसके बाद में हम पूरा का पूरा SML मेन शाफ्ट को उठाकर हमने गियर बॉक्स के केसिंग में हमने फिट कर दिया है। अब हमें सेंटर मिलाना होगा शिफ्टर फॉर्क का। जैसे ही सेंटर मिल जाता है दोस्तों उसके बाद में एकदम इजीली फिटिंग हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं हमने जो फॉर्क का सेंटर है वो मिला लिया है। अब हमें क्या करना होगा, दोनों फॉर्कों को एकदम न्यूट्रल पोजिशन पर रख लेना है। तो देख सकते हैं हमने न्यूट्रल पोजीशन पे रख लिया है। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, ये देख सकते हैं डिटेंड एसी को लगाना है। इसे डिटेंड एसी बोलते हैं। उसके बाद में कंप्रेसर स्प्रिंग आएगा और उसके बाद में डिटेंड प्लग आएगा। तो चलिए हमें दोनों जो है फार्क है उसको न्यूट्रल पोजीशन पे रख के ये दोनों को हम लगाकर इसके अच्छे से टाइट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको गेयर बॉक्स इंजन व्हीकल एंड मशीनरियों का पार्ट किट लग चाहिए तो आप मैकेनिक ज्ञान ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें दोस्तों लगभग सभी टाइप के व्हीकल इंजन मशीनरी एंड गियरबॉक्स के पार्ट किट लग मौजूद है, और उसमें लगभग सभी टाइप के व्हीकल एंड मशीनरियों के सर्विस शेड्यूल मेंटेनेंस शेड्यूल। सो देख सकते हैं दोस्तों हमने इतना कंप्लीट कर लिया है, अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं आप जो मेन शाफ्ट है उसमें तीन नंबर गियर को फिटिंग करना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया है, उसका तीन नंबर गियर का नीडल रोलर बेयरिंग को फिट कर दिया। उसके बाद में हमने तीन नंबर गियर को फिट कर दिया। ठीक है, गियर में सेंक्रो कोन ऑलरेडी लगा हुआ है और हमने उसके बाद में सेंक्रो रिम को फिटिंग कर दिया है। उसके बाद में दोस्तों हमें एंगेज गियर को फिटिंग करना होगा जो कि तीन नंबर और चार नंबर गियर का है, और उसी के ऊपर हमने शिफ्टर स्लू को भी फिट कर दिया है। और जैसे ही हमने शिफ्टर स्लू को डाला है दोस्तों तो हमने फॉर्क के साथ में असेंबल करके डाला है। क्यों, क्योंकि हम इसको अलग अलग नहीं डाल सकते। हमें अगर गियर बॉक्स को फिटिंग एकदम इजीली फिटिंग करना है तो यही एक बहुत ही अच्छा तरीका है फिटिंग करने का। और जैसे ही हम सेंक्रो किट हम फिटिंग करते हैं दोस्तों उस समय में हम क्या करते हैं, कोई ना कोई एक गियर को डालकर रख देते हैं जो नीचे साइड का है। तो अभी फिलहाल लगा हुआ है तीन नंबर गियर, और तीन नंबर गियर लगाने के बाद में उसके बाद में हम अगर सेंक्रो किट को अगर फिटिंग करते हैं तो एकदम इजीली फिटिंग हो जाता है। अब क्या करेंगे, देख सकते हैं सारे सेंक्रो किट फिट हो गया है। अब हम एक लॉक लगाकर दोस्तों सेंक्रो रिंग को लगाएंगे और उसके बाद में हम इसे न्यूट्रल पोजीशन पे कर लेंगे। तो देख सकते हैं हमें सेंक्रो रिंग का कॉलर मिलाकर फिट करना है। ठीक है, तो देख सकते हैं हमने फिट कर दिया। उसके बाद दोस्तों हम चार नंबर गियर का नीडी रोलर बेयरिंग को फिट कर लेते हैं, और उसके बाद दोस्तों हम कर लेते हैं चार नंबर गियर को फिटिंग। उसके बाद दोस्तों हमें थ्रस्ट वाशर को फिटिंग करना है। थ्रस्ट वाशर थोड़ा सा टाइट रहता है तो हम कुछ ना कुछ जुगाड़ करके इस वाशर को अच्छे से फिटिंग कर लेते हैं, और उसके बाद दोस्तों हम मेन शाफ्ट का लॉक लगा देंगे। अब देख सकते हैं लॉक लग चुका है। अब हम इसमें गियर डालकर चेक कर लेते हैं कि दोनों गियर प्रॉपर काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो उससे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा, शिफ्टर शाफ्ट को न्यूट्रल में रख के डिटेंड प्लग फिटिंग कर लेना है। ठीक है, आप देख सकते हैं, और उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं आप हमने पांच नंबर गियर का पूरा सेट हमने फिटिंग कर दिया है। चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं सेंक्रो कोन गियर में लगा हुआ है और हमने उसके ऊपर में रिंग लगा दिया है, और उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं एंगेज गियर, ये है पांच नंबर और छह नंबर का एंगेज गियर, और गियर को हमने कॉलर मिलाकर सेंक्रो में फिट कर दिया है। और कुछ इस प्रकार से हमें शिफ्टर स्लू को फॉर्क में फंसाना है और उसके बाद में एंगेज गियर के ऊपर फिटिंग कर देना है। और एंगेज गियर में फिटिंग करने से पहले मैं इसके पहले भी बता चुका हूँ कि जिस जगह पे हम सेंक्रो किट लगाते हैं उस जगह कॉलर जो है शिफ्टर स्लू का जो कॉलर है वो कॉलर बना हुआ रहता है। अगर वो कॉलर अगर मिलाकर नहीं लगाएंगे तो डॉग किट नहीं लगा पाएंगे।
देख सकते हैं कितना इजीली सैकड़ों किट फिटिंग हो रहा है। तब तक आप एक काम कर सकते हैं दोस्तों, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यार। अगर अभी तक ये नहीं किया हो तो कर लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार की वीडियो आप लोगों को इस चैनल के ऊपर देते रहते हैं। और दोस्तों आप हमारे चैनल को जाके विजिट करके देख सकते हैं, काफ़ी सारे व्हीकल एंड मशीनरियों के मैं वीडियो बनाता हूँ यार, अच्छे अच्छे व्हीकल एंड मशीनरियों के वीडियो बनाता हूँ। आप अच्छे अच्छे वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं हमारे चैनल से, ठीक है। तो देख सकते हैं हमने कितना इजीली हमने सैकड़ों किट को डाल दिया है। और उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, अब हमें 5 नंबर और 6 नंबर गियर का शिफ्टर शाफ्ट को न्यूट्रल करना होगा, और उसके बाद दोस्तों हमें डिटेंट प्लग को टाइट कर देना होगा। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेन शाफ्ट का लास्ट लॉक जो कि हमने लगा दिया है, उसके बाद में हमें थ्रस्ट बेयरिंग को लगाना है, और उसके बाद दोस्तों हमें टॉप शाफ्ट का बॉल लगाना है, जो कि हम ग्रीस लगाकर मेन शाफ्ट के ऊपर कुछ इस प्रकार से हमने फिटिंग कर दिया है। और ये जो टॉप शाफ्ट का कॉलर दिख रहा है, उस कॉलर के अंदर उस बेयरिंग जो बॉल है उसको फिटिंग करना होगा। तो एकदम हमें सेंटर मिलाना होगा, और सेंटर मिलाने के बाद में कुछ इस प्रकार से हमें फिटिंग कर देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं ये सारा कुछ कंप्लीट हो गया। अब हमें दोस्तों काउंटर शाफ्ट असेंबली को फिटिंग करना होगा गियर के केसिंग में। तो कुछ इस प्रकार से है, काउंटर शाफ्ट एकदम ईजिली फिट हो जाता है। इस प्रकार से अगर गियर फिटिंग करेंगे तो काउंटर शाफ्ट लगाने के लिए कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और आप लोगों ने देखा होगा हमने पूरा का पूरा गियर फिटिंग कर दिया है, और गियर फिटिंग करने वाले आज के मुख्य कलाकार हैं धर्मेंद्र और दूसरा है विश्वजीत। और आप इसे देख सकते हैं, ये आप इसे बाहुबली के नाम से भी पुकार सकते हैं, और दूसरा जो है ये डीजे, आप इसे डीजे के नाम से पुकार सकते हैं। तो देख सकते हैं हमने सारा कुछ कंप्लीट कर लिया है। अब उसके बाद दोस्तों हमने जो गियर का जो केसिंग है उसके ऊपर हमने उसको अच्छे से क्लीन करके गैस्केट लगा दिया है, और एनाबोन भी लगा दिया है, और कुछ इस प्रकार से हमें सेंटर टू सेंटर मिलाकर हमें फ्रंट कवर को फिटिंग करना है, ठीक है। फ्रंट कवर फिटिंग करने के लिए कुछ नहीं दोस्तों, हमें जो सारे शिफ्टर शाफ्ट जो है उसको न्यूट्रल पोजीशन पे रखना है कुछ इस प्रकार से, और जो शिफ्टर शाफ्ट का वो ऊपर साइड में जो होल है वो होल मिलाना है हमें, वो सेंटर मिलाना है। अगर वो सेंटर प्रॉपर मिल गया तो एकदम इजीली फ्रंट कवर फिटिंग हो जाएगा 100%। तो हमें सबसे पहले तो उसका सेंटर मिलाना है, और सेंटर मिलाने के बाद दोस्तों हमें एकदम लेवल में रखना है फ्रंट कवर को, और उसके बाद में दोस्तों एकदम इजीली फिटिंग हो जाएगा। तो देख सकते हैं सेंटर मिल चुका है, और डावल का भी सेंटर मिल गया है। अब थोड़ा सा पीछे साइड से हमें लेवल उठाना होगा, और देख सकते हैं कितना इजीली फिटिंग हो गया दोस्तों। और देख सकते हैं ये जो गियरबॉक्स का जॉइंट है, ये जॉइंट के सारे बोल्ट को अच्छे से टाइट करना है, और ये जो फॉर्क शाफ्ट है वो सारे को न्यूट्रल पोजिशन पर कर देना है, और उसके बाद में ये सारे बोल्ट को अच्छे से टाइट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में गियरबॉक्स को सीधा कर देना है, और गियरबॉक्स को दोस्तों हमने सीधा करके शाफ्ट को घुमा कर देखा तो हल्का अभी जाम घूम रहा है। जाम घूमने का कारण यह है कि अभी मेन शाफ्ट जो है टाइट होकर पीछे आएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें क्या करना होगा, स्पीडो गियर डालना है, उसके बाद में डिस्टेंस लू, और उसके बाद में आयल सील लगाना है। आयल सील को एनाबोल लगा कर हम फिट कर देते हैं ताकि ऑयल लीकेज ना हो। और उसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका कपलिंग लगाएंगे, और कपलिंग लगाने के बाद में चेक नट को अच्छी तरह से टाइट कर देंगे। जैसा दोस्तों कपलिंग टाइट हो जाएगा तो मेन शाफ्ट जो है पीछे खींचा जाएगा, पीछे खींचाने के बाद में जो है मेन शाफ्ट फ्री हो जाएगा, जो हल्का अभी जाम हो रहा है ना वो सही हो जाएगा, ठीक है। कहीं आप ऐसा नहीं करना कि मतलब गियरबॉक्स जाम हो गया करके दोबारा खोल दे। तो आप सबसे पहले मेन शाफ्ट को टाइट कर लेना है, मेन शाफ्ट का जो चेक नट है उसको अच्छे से टाइट करना है, और टाइट करने के बाद में दोस्तों वो पीछे आ जाता है, पीछे आने के बाद में वो मेन शाफ्ट जो है फ्री हो जाएगा। अब चलिए हम एक काम करते हैं, रिवर्स गियर को भी फिटिंग कर लेते हैं। तो रिवर्स गियर फिटिंग करने के लिए दोस्तों देख सकते हैं पीछे साइड में एक पतली वायसर रहती है, उसमें एक कॉलर होता है, वो कॉलर को हमें कॉलर मिलाकर ही फिटिंग करना है, नहीं तो रिवर्स गियर जाम हो जाएगा। अब रिवर्स गियर के अंदर दो बेयरिंग लगते हैं जो कि देख सकते हैं हमने डाल दिया है, और कुछ इस प्रकार से रिवर्स गियर फिटिंग होगा, ठीक है। चलिए अब हमें रिवर्स गियर का शाफ्ट को फिटिंग करना है। तो शाफ्ट फिटिंग करने के लिए कुछ नहीं दोस्तों, पहले हमें हाफ फिटिंग करना होगा, क्योंकि उस साइड में थ्रस्ट वाइसर भी एक लगेगा। तो देख सकते हैं हमने हाफ पिन को फिटिंग करके थ्रस्ट वाइसर को फिटिंग कर दिया है, और सेंटर में लेने के बाद में दोस्तों हमें इस पिन को बॉडी लेवल तक के हमें
लेवल अंदर डाल देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं दोस्तों, हमने पूरी बॉडी लेवल तक के पिन को फिटिंग कर दिया है। दोस्तों ये सारा कुछ कंप्लीट करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना होगा, एक एक गियर लगा लगा कर हमें सारा चेक करना है, और चेक करने के बाद दोस्तों हमें उसके बाद में टॉप कवर लगाना है, उसके बाद में आगे का जो क्लच हाउसिंग है उसको लगा देना है, और सारा कुछ उसके बाद में कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना। हम फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ में मिलते हैं। बाय दोस्तों।